वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज विभा। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपैरेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहली बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अलास, हुर्रा, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जो जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, सोरो को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ये वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये इनकी पहचान होती है, इनके एंड में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, राइट? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। डू वॉच इट टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप इन द एंड इफ यू लाइक इट। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहली चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के केस में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है एक्सक्लेम्ड में, राइट? आप लिखते हो एक्सक्लेम्ड, ठीक है। खाली एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर जॉय या सरप्राइज या फिर एंगर, डिपेंडिंग ऑन द इमोशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जिस टाइप की होगी वो वाला वर्ड आप यूज कर दोगे। मान लीजिए कोई बहुत सैड बात है, कोई दुख वाली बात हो रही है तो क्या लिख दोगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कोई खुशी की बात है तो क्या लिख दोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सरप्राइज होने वाली बात है तो आप लिख दोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। गुस्से वाली बात है तो आप लिख दोगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर, राइट? खाली एक्सक्लेम्ड भी कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है तो वो भी गलत नहीं है। तो चलिए और देख लेते हैं आपको टेंस। टेंस का चेंज वही रहेगा जो अब तक हम करते आए हैं, राइट? और एक जो 1 2 3 सन वाला रूल है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें भी कोई और चेंज नहीं है, चेंज था बस रिपोर्टिंग वर्ब में। तो चलिए आइए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द मैन सेड अलास माय ओल्ड फ्रेंड इज डेड। अब देखो इस वाले सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? अलास। अलास जो है हम तब यूज करते हैं जब कोई सैड बात हो, कोई दुख वाली बात हो, राइट? तो अलास से आपको हिंट लगा कि दुख की बात है। अलास ना भी लिख के थे तो आप आगे भी देख सकते हो माई ओल्ड फ्रेंड इज डेड। अब ओल्ड फ्रेंड मर गया है, ऑब्वियसली खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है। तो देखो इसमें आप क्या लिखोगे? द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि दुख की बात है, राइट? खाली एक्सक्लेम लिखोगे वो भी गलत नहीं है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर? द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद आपको क्या करना होता है? दैट। जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लिखते थे वही दैट आपको लिखना है, बस आगे अब रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज करना है। माई ओल्ड फ्रेंड चेंज हो जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड में, राइट? क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट? अब ये पॉजेसिव केस है तो हमने मैन का भी पॉजेसिव केस ही लिखा हिज, हिज ओल्ड फ्रेंड। टेंस देख लो कौन सा है, इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में, तो इज डेड का क्या हो जाएगा? वॉज डेड, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कोच सेड हुर्रे वी डिड इट अगेन। इसमें देखो हुर्रे, हुर्रे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? खुशी वाले सेंटेंसेस होते हैं, राइट? हुर्रा, हुर्रे आप खुशी में कहते हो। तो क्या लिखोगे इसमें? द कोच, रिपोर्टिंग वर्ब सेड किसमें चेंज होगी? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब खुशी की बात है तो आप कहोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा, क्या कहा? वी डिड इट अगेन, हमने दोबारा कर दिखाया, राइट? तो वी को आप चेंज करो, सॉरी, अब आप क्या लगाओगे? पहले दैट, है ना, दैट हमने लगा दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको दैट लगाना होता है। उसके बाद देखो वी किस में चेंज हुआ? दे में। अब आप कहोगे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर तो कोच है तो ही आना था, बट यहाँ पर देखो आई नहीं है, वी है, राइट? आई होता तो आप ही लिखते, वो अपनी बात कर रहा था, पर वी प्लूरल है इसलिए आप क्या लिखोगे? दे, क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है ना, कि हमने दोबारा कर दिखाया, तो दे। अब टेंस कौन सा है यहाँ पर? देखो डिड लगा है, वी टू मतलब पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है?
सॉरी पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में आप क्या लगाते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, तो दे हैड डन इट अगेन, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज। अब देखो ये जो व्हाट हाउ वाले सेंटेंसेस है, देखो जो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, इनमें इन्हें आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो वो हम सीखेंगे। देखो ही, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब देखो कितने कह रहे कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब बहुत सरप्राइज हो रहा है, तो क्या लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने सरप्राइज होकर एक्सप्रेस किया क्या, दैट दैट हमें लगाना ही है, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हुआ, सिंपल पास्ट में इट इज का बना इट वॉज, ये वेरी हमने क्यों लगाया, वेरी तो कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि अब जो भी आपको सेंटेंसेस व्हाट या हाउ वाले मिलेंगे, राइट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहे हो उसमें आप वेरी सो इस तरह के एडवर्ब्स लगाते हो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, राइट, इसकी आप बात की आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है कि ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसलिए आप वेरी का यूज इन सेंटेंसेस में करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखो ऐसा ही है, हाउ वाला है, द मैन सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज, तो क्या लिखोगे, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर, मैन ने गुस्से से कहा, भाई गुस्सा आ रहा है उसको कि कितना स्टूपिड सा क्वेश्चन है ये, क्या लगाओगे आगे, दैट दैट वॉज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। अब ये दैट दो बार दैट क्यों आया, ये गलत नहीं है, देखो एक दैट तो वो जो हम लगाते ही है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम दैट लगाते हैं वो है, ये वाला जो दैट है ये आया है इस दिस के लिए। मैंने आपको कुछ एक वर्ड्स कराए थे जो चेंज होते हैं, जैसे नाउ चेंज होता है देन में, येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, राइट, वैसे दिस किस में चेंज होता है, दैट में, तो दिस का बना दैट, सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो सिंपल पास्ट बनाया, दैट वॉज अ, और हाउ लगाया तो हमने वेरी लगाया, दैट वॉज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ टूडे शी सेड हाउ फुलिश यू वर, तो क्या लिखोगे इसमें भी, शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब देखो खाली एक्सक्लेम्ड लिखो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्शंस में आपको ना दिखे कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय सोरो, तो ऐसे नहीं कहोगे कि भाई इसमें तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं तो हम कौन सा लगाएं, बिना जॉय सोरो इन वर्ड्स का भी आपको मिल सकता है सिंपल शी एक्सक्लेम्ड, ये भी गलत नहीं होता, तो आपने लिखा शी एक्सक्लेम्ड, राइट, उसके बाद आपने लगा दिया दैट जो हमें लगाना होता है। आफ्टर दैट देखो हाउ फुलिश यू वर, कौन सा टेंस है ये, वर लगा है, मतलब सिंपल पास्ट है वोज वर, तो आपको किस में चेंज करना होता है सिंपल पास्ट को, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन, अब ये बीन कहां से आ गया, ये देखो जो वोज वर इज एम आर होती है ये सब किसकी फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स होती है, मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूं, हम कई क्लासेस में ये चीज डिस्कस कर चुकी हैं, इज एम आर वोज वर बी बीन, ये सब बी की ही फॉर्म्स होती हैं, राइट, तो बी की थर्ड फॉर्म बी, यू हैड बीन वेरी फुलिश, वेरी क्यों लगाया, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस था हाउ से स्टार्ट होने वाला, राइट, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट यू हैड बीन वेरी फुलिश। तो ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कैसे आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आज इसी के साथ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट आगे भी मिलता रहे। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग कीप शेयरिंग।